नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बता रही हूं, अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें जाने से पूर्व, आइए चर्चा करते हैं इसी बारे में। मित्रों, यात्रा पर जाना कई तरह से होता है, कि आप लोकल जा रहे हैं तो कोई ऐसी खास बात नहीं होती है, लेकिन यदि आप शहर से बाहर जा रहे हैं या विदेश यात्रा पर जा रहे हैं तो कुछ बातों को आप ध्यान रखें। पहली चीज़ तो यह है कि कोई भी सफ़ेद चीज़ खाकर, हालांकि दही वगैरह खाकर लोग निकलते हैं, लेकिन आपको दही खाने के बाद भी कुल्ला ज़रूर करना चाहिए, और दही खाकर आप निकल सकते हैं लेकिन आपको कुल्ला ज़रूर करके निकलना चाहिए। कोई भी मीठी चीज़, सफ़ेद चीज़ खाकर घर से ना निकलें। इसके अलावा घर से जब भी आप जा रहे हैं, पूरा परिवार जा रहा है, तो आपको घर का जो कटोरदान होता है या सब्जी वगैरह रखने का पात्र होता है वो बिल्कुल खाली नहीं छोड़ के जाना चाहिए। आप सुरक्षा की दृष्टि से तो गैस के सिलेंडर, गीज़र, इन सब का तो आप ध्यान रखेंगे, वो एक अलग मैटर है। मैं यहाँ ज्योतिषीय आधार पर चर्चा कर रही हूँ आपसे, और बुज़ुर्गों के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है उसकी चर्चा कर रही हूँ। इसके अलावा जैसे जो आपका कर्टन होता है ना, कर्टन को आपको एक नॉट गांठ लगा देनी चाहिए, मोड़ कर उसको। कर्टन पूरे खुले छोड़कर आपको नहीं जाने चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपका जो ग्लास है ट्रांसपेरेंट है तो फिर आप केवल एक ही कर्टन को मोड़कर उसमें गांठ लगा दीजिए। आपका जो बेड होता है, उस पर जो बेडशीट बिछी हुई होती है, उसका एक कोना ज़रूर मोड़ कर जाना चाहिए। कारपेट का भी एक कोना ज़रूर आपको मोड़ देना चाहिए। यदि आप अपने ठाकुर जी और देवी देवताओं की जो रेगुलर पूजा करते हैं, तो इनके निमित्त भी आपको एक सॉलिड व्यवस्था करके जानी चाहिए, कि वो जिनको भी आप दे रहे हैं सेवा के लिए, पूजा के लिए, वो नियमित रूप से उनकी पूजा कर सके। नहीं तो एक छोटा सा सूटकेस भी मैंने कई लोगों के पास देखा है, जिसमें वो डेली पूजा जिन भगवान की करते हैं वो उसमें रखते हैं, और यात्रा के दौरान भी और बाहर जाने के दौरान भी वो रेगुलर पूजा करते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, यात्रा के दौरान आपको काले रंग के, नीले रंग के या फिर एकदम चटकीले लाल रंग के कपड़े पहनकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। स्पेशली जिनका मंगल ख़राब है, और जिनका मंगल बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिनको बात होते गुस्सा आता है, उनको लाल रंग के कपड़े पहनकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। जो लोग काफ़ी नेगेटिविटी से घिरे हुए रहते हैं, वो काले रंग के कपड़े पहनकर यात्रा ना करें। सामान्य तौर पर गुलाबी रंग बहुत शुभ माना जाता है यात्रा करने के लिए, या फिर हरा रंग, पैरेट ग्रीन कलर, खिलते हुए सौम्य कलर यात्रा के दौरान पहने तो आपके लिए काफ़ी मानसिक शांति बढ़ाने वाले ऐसे कलर साबित होते हैं। इसके अलावा घर में आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ ऐसी घर में ना रखी हो जो कि सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। तो वो चीज़ भी आप, कोई भी चीज़ जैसे धन है या आपने कोई ज्वेलरी है, वो भी घर पर रखकर आपको नहीं जानी चाहिए। बैंक के लॉकर में ही आपको सुरक्षित रूप से उस चीज़ को रखना चाहिए। और इसके अलावा आप घर से यात्रा पर बाहर जा रहे हैं तो आपको आसपास वालों को भी पूरी इसकी जानकारी देनी चाहिए कि कितने दिन के लिए आप जा रहे हैं, कितने दिन में आप आएंगे। ये एक सामान्य सी बात है, ये तो मतलब जिसको बोलते हैं अकलमंदी की बात है, लेकिन ज्योतिषीय आधार पर कुछ जो खास बात मैंने आपको बताई, उन बातों की आप ज़रूर ध्यान रखें। आपके घर के जो पेड़ पौधे हैं, एक्वेरियम है, और कोई अगर आपने पैट भी पाल रखा है, उनकी भी सुरक्षा का पूरा व्यवस्था और बंदोबस्त करके जाएं। ऐसा करके जाएंगे तो आपकी यात्रा बहुत ही सुखद होगी। इसके अलावा यात्रा जब निकलने से पहले आप अपने इष्ट देव और पितरों का स्मरण जरूर करके निकलें। यात्रा करने के जब आप निकलते हैं तो कभी भी आपको ये नहीं बोलना चाहिए अच्छा हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए अच्छा शीघ्र ही लौटेंगे या अच्छा बहुत जल्दी वापस आते हैं। इस तरह से शुभ वाक्य बोलकर आपको यात्रा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। यात्रा में भी दिशाशूल भी होता है, तो एक बार दिशाशूल का भी विचार कर लेना चाहिए। जिस दिन आपका चंद्रमा 4th, 8th, और 12th हो, उस दिन यात्रा अवॉइड करें अगर पॉसिबल हो तो, और नहीं तो उसका कुछ निवारण करके निकलें, कुछ दान इत्यादि करके आप निकलें। इसके अलावा राहु काल या कोई अशुभ समय चल रहा हो उस समय यात्रा को थोड़ा सा त्याग दें। मैं आपको सलाह जो दे रही हूँ ज्योतिषीय आधार पर दे रही हूँ, मानना ना मानना आपके हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।